उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा UPTGD 2016 मैथमेटिक्स का रिजल्ट आउट हो चुका है, उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता रहता है ज्वाइनिंग कब तक होगा, कैसे होगा। तो देखिए, लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, इसलिए सारे ऑफिस वगैरह बंद हैं। बट सरकार ने कुछ जो ऑफिस को खोलने का ऑर्डर दिया है 20 अप्रैल से, जहाँ के जिसके तहत तो उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कुछ बड़े आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी कुछ दिन बाद जो मेंबर्स हैं बोर्ड में बैठना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे काम स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत न्यू वैकेंसीज आनी है और जो पुराने जो इंटरव्यूज रुके हुए हैं उनकी डेट दी जाएगी। डेट तो खैर अभी लॉकडाउन की कंडीशन को देख के ही दी जा सकती है। और 2011 और 13 के प्रधानाचार्य के इंटरव्यूज रुके हैं, यानी कि जो फॉर्म छटाई का काम है या मेरिट्स बनाना है, रिजल्ट तैयार करना, वो काम तो हो ही सकता है भले इंटरव्यू ना लगाया जाए। ठीक है, तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग वाला काम है उसमें ज्वाइनिंग के लेटर्स तैयार करना और उनको वहाँ से ओके करना, वो सारा काम तो किया ही जा सकता है। वेरिफिकेशन करना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ये सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, जब से बोर्ड के मेंबर जल्दी ही बोर्ड में काम करना शुरू करेंगे और जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग को हो सकता था बट इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही और सरकार की आर्थिक स्थिति भी देख सकते हैं, क्यों डेली जो प्रॉफिट होता था वो सब नहीं हो रहा है और जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं सभी को सैलरी भी देनी पड़ रही है। तो सारी बातें हैं, उसमें थोड़ा डिले भी हो सकता है। बट ठीक है, तो इस समय जो है सब कुछ बंद है और उसको देखते हुए जब भी स्टार्टिंग होगा, वैसे तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी स्टार्टिंग हो जाएगा और ये सब संकट भी जल्दी ही टलेगा। हो सकता है मई के एंड तक टल जाए और मई जून में इनके चांसेस हैं स्टार्टिंग होने के, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपना काम स्टार्टिंग कर दिया और ये भी सुना जा रहा है कि 25 अप्रैल के बाद ये भी कर सकते हैं या मई स्टार्टिंग में कर सकते हैं। आगे धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे तो ज्वाइनिंग लेटर इशू करना, ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा।